गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, तो अभी टाइम हुआ है 8:30 बजने वाले हैं, और अभी मैं हूँ मणिकरण, और मैं तो रेडी हूँ, लेकिन भाई साहब सो रहे हैं आराम से। लवी, उठना नहीं है? उठना नहीं है तो भाई वो तो नहीं उठा, वो नहीं उठने वाला। मैं तो जा रहा हूँ घूमने फिरने। अभी मैं हूँ राम मंदिर में, और राम मंदिर का अभी मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसा होगा मणिकरण या फिर कुछ भी। अभी सुबह हुई है, अब मैं देख पाऊँगा कि कैसा है मणिकरण, कहाँ मैं उतरा, क्या था। तो करा पूरा अंधेरा था, थोड़ा बहुत दिखाई दिया कुछ। ये है राम मंदिर, ऊपर आ चुकी है धूप, नीचे कुछ भी नहीं है। आशीर्वाद ले लेते हैं ताकि हमारी यात्रा सुखद रहे। हनुमान जी, राम मंदिर, अभी गेट बंद है, आई डोंट नो व्हाई, शायद आगे होगा। वो रहा वहाँ पे मंदिर। जय श्री राम। चलो जी चलते हैं ऊपर, कुछ ऐसा व्यू। ये पता नहीं क्या चौक है क्या है। सबसे पहले तो मुझे नदी देखनी है। एक मिनट, ये वही धुआं है ना मणिकरण वाला? शायद जितना मुझे देख के पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मणिकरण बहुत बड़ा भी नहीं है। मतलब जो ये गुरुद्वारा और मंदिर की जो साइड है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। रावी, चल भाई चलो आगे देखते हैं। लो जी निकल गए हैं मणिकरण की सड़कों पे, गलियों पे। अरे यार देखो, एक चीज़ दिखाई दी है, सीढ़ियाँ। यहाँ से देखो कुछ दिखता है क्या? ये फोटोजेनिक प्लेस, फोटो होगा यहाँ पे इस जगह का। सी व्हाट अ प्लेस भाई, ननाइस 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 ननाइस। वो पार्किंग है सामने, दिखाई दे रही है। पहाड़ों में मेरा दिल, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है। मेरी फ़ोटो कोई लेगा नहीं तो मैं अपनी फ़ोटो खुद ही, मतलब वीडियो बना लेता हूँ, फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। सी अभी तो मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं खुला है, मैं निकल गया हूँ सुबह सुबह ही घूमने के लिए। अब ये गली कहाँ जाएगी वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है, मुझे लग रहा है इधर ही है वो गुरुद्वारा। गुरुद्वारा भाई इधर ही है ना? हाँ, ठीक है। देखो जी पहुँच तो गया हूँ गुरुद्वारा, ये रहा मेरे पीछे। अरे कांगड़ा, अरे ये रहा मेरे पीछे गेट, जहाँ से जाना है गुरुद्वारा। लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अभी जाऊँगा फिर लवी के साथ फिर से आना पड़ेगा, तो मैं और लवी एक साथ ही जाएंगे। अभी जो आगे से सीन दिखता है वो देख लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ और आगे। अब ये सीढ़ियाँ हैं, अब ये सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ जा रही। मुझे ना गुरुद्वारा का फ्रंट साइड देखना है, जो आगे से हमेशा इंस्टाग्राम वगैरह पे और सब हर जगह जो मैं देखता आ रहा हूँ वो देखना है मुझे व्यू। अंदर जाएंगे पहले, लवी को उठ जाने दो, उसके बाद अंदर जाएंगे। कहाँ पहुँच गया मैं, पता नहीं, मैं गलत तो नहीं आ गया कहीं? बड़ा ही सुनसान रास्ता है। अभी पीछे एक आदमी खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि भाई कितना वो आगे जाने का रास्ता कहाँ से है, तो उसने कहा सीधा। मैं कहा बेंच, पर डरा देगा भाई तू तो, मैं प्यार से बता दे कि भाई साहब सीधे चले जाओ सीधा। मैं इस गली से आया हूँ और मुझे फिर दिखा है ये डन टन 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 टन
में, और अगर जो मुझे सीधा मणिकरण आगे से देखना होगा तो मुझे जाना होगा उस रोड पे, और उस रोड पे जाने के लिए शायद मुझे सीधा चलना होगा, और फिर वो जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है उधर से ऐसे जाके ऐसे आना होगा। गुड मॉर्निंग अगेन, क्या रास्ता है और क्या नज़ारा है, देखो तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या उन्हें बता सकूँ, मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तो ब्रिज से अच्छा व्यू मिलना था, मुझे लग ही रहा था और मिल ही रहा है। पहले तो ये देखो व्हाट अ व्यू है, और फिर ये, और फिर ब्रिज है सामने, अभी चलते हैं ब्रिज। ब्रिज से कुछ ऐसा व्यू होगा, ला 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 ला, रे मेरी प्रेम कहानी का रे तू हीरो है, ला 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 ला, हे हे ला 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 ला। ये कच्चा सा लग रहा है मुझे, बार बार गुड मॉर्निंग बोलने का मन कर रहा है कि बार बार गुड मॉर्निंग बोलूं। जैसे मैं राम मंदिर में रुका हूँ ऐसे ही मुझे इसके बारे में पता चला था, ये वही है कि जो गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में जो मिल जाते हैं कमरे रूम्स वगैरह, तो ये वो हैं। दिखा 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 पहुँच ही जाऊँगा थोड़ी बहुत देर में, हिम्मत ना हारो चलते रहो, मैं शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मज़ा आएगा नहीं आएगा देखो ज़रा, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, पता नहीं किसकी छत है ये। नाइस नाइस नाइस, ये क्या थोड़ा तबेला टाइप सा है, ये तो गौशाला, तो ये गौशाला की छत पे खड़ा हूँ इसका मतलब मैं, जहाँ तुम्हें लगे ना कि वहाँ नज़ारा मिल सकता है चढ़ जाओ वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे चढ़ गया, पता नहीं किसकी छत है क्या सीन है, जो भी है क्या ही फ़र्क पड़ता है यार दुनिया में। वावी वावी वावी, मिल गया। लो जी फाइनली पहुंच गया हूं, जिस लोकेशन की मुझे तलाश थी वही लोकेशन है ये, जो मैं पिछले एक डेढ़ साल से देखता आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, आज मैं उसके सामने खड़ा हूँ। अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। हिमालय वहाँ से हल्का सा बाहर आ गया हूँ मैं। ओके, मुझे जो बात बतानी है वो ये है, जो ये धुआं निकल रहा है ना, ये गर्म पानी है, गर्म पानी में जैसे भाप निकलती है ना वो ये है, वहाँ पे बहुत गर्म पानी है। अब वो गर्म पानी है क्यों वो नहीं पता, यही इस गुरुद्वारे की खासियत है कि यहाँ पे गर्म पानी है, अंदर कुंड भी है, अंदर लोग नहाते भी है। सी द व्यू मेरे राज तेरे प्यार से अबरस, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, बना रहा था ब्लॉग, बता रहा था मणिकरण के बारे में कुछ। हमें मिले हैं कपिल भाई, कपिल भाई हैं, कहाँ से बताया था? मैं गढ़गंगा, गढ़गंगा जो कि मेरठ के पास ही है, और मेरा एक दोस्त है रवि, उसका भी यूट्यूब चैनल है रवि जोन, और
उनके साथ उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, मतलब ये उनको लेके गए हैं कहीं इधर उधर जी। तो बहुत देर हो गई है बात करते करते, बढ़िया आनंद है अपना मिलता है, कोई मजा आता है, कर रहे हैं वहाँ के मिल गए हैं भाई भी साथ में, और क्या, और ये इतने अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है अंदर जाके, इसमें इतना अच्छा है, पानी के गर्म झरने हैं कि लोग नहा सकते हैं अच्छे से, और काफी संख्या में यहाँ लोग आते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं, अभी भीड़ है ना। टाइम कितना हुआ है अभी? 10 बज रहे हैं, सुबह से लोगों का आना लगा हुआ है, ये पार्किंग है गाड़ियों की, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अच्छा घूमने का वो है, परिवार के साथ आप घूम सकते हो अच्छे से। अच्छी बात है, तो मैं थोड़ी बातें और करता हूँ रवि भाई के साथ, वो कपिल भाई के साथ, और फिर चलते हैं आगे कहीं और। भाई साहब बात करते करते हो गई कपिल भाई साहब बहुत टाइम। ये है यहाँ का बस स्टैंड मणिकरण का, यहाँ से बसेस वगैरह मिल जाएंगी तुम्हें, मनाली के लिए भी मिल जाएंगी बस, कसोल के लिए भी मिल जाएंगी बस, तोश के लिए भी मिल जाएंगी बस। ये है बस स्टैंड, आगे है ब्रिज, मुझे ब्रिज क्रॉस करके वापस जाना है। लंदन के लव लॉक की तरह हो गया। हाँ यार ये भी अच्छा है। अरे वाह यहाँ पे तो बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लंदन में भी एक ब्रिज है ऐसे ही, जहाँ पे सब ताले लगा लगा के विश मांगते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं होता यार, क्या मांगूं। मणिकरण में शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी खरीद तो तुम हर जगह सकते हो, यही है छोटी मोटी दुकानें, सीधा गुरुद्वारे तक। अब खुलने लग गई है दुकान, जब मैं सुबह निकला था तब नहीं खुली हुई थी, अब तो खुल गया सब कुछ। जब से मैं हिमाचल प्रदेश आया हूँ तब से 10 से 12 लोगों ने, या हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि भाई कुछ माल चाहिए क्या, भीड़ वगैरह, और जो तुम स्टोनर हो तो तुम्हें यहाँ पर मज़ा आ जाएगा। मैं ये सब नहीं करता, अगर जो करता तो मेरा भी मज़ा आ जाता फिर तो कोई बात नहीं। लो जी पहुँच गया हूँ फिर से, मैं सीधा सामने ऐसे गया था और पूरा चक्कर मार के आया हूँ, आ गया हूँ वापस। मुझे पूरा यकीन है कि लवी अभी तक सोया होगा। मणिकरण हो गया है पूरा, लगभग 2-2.5 घंटे में मैंने पूरा मणिकरण कर लिया कवर, तो काफ़ी है वैसे इतना टाइम, एक दिन बहुत है मणिकरण के लिए, या फिर तुम आसपास कहीं हो मनाली या फिर तोश कसोल तो मणिकरण का प्लान बनाना, काफ़ी अच्छी जगह है। पूरा दिन तुम्हारा शायद मनाली से तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन कसोल तोश से पूरा दिन नहीं लगेगा तुम्हारा। बाकी मैं पहुंच गया हूँ, बंदा अभी भी सो ही रहा होगा। वाओ वाओ, मतलब मैं पूरा मणिकरण घुमाया और लड़का अभी हमारा सो ही रहा है। क्या बोलूँ, ऐसे थोड़ी ना होती है ट्रैवलिंग। अब उठाता हूँ इसे। लवी खड़ा हो ले, खड़ा अभी हूँ, नहीं होता खड़ा हो। तो जी आज क्या होगा है कोटापुरा, अब मैं जा रहा हूँ वापस रजाई में घुसने, क्यों ठंड हो रही है, हाथ दोनों हो गए हैं जाम। गुड मॉर्निंग, आज लवी जल्दी उठ गया है और मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। और कल हमने कुछ नहीं किया, कल मैंने तो पूरा मणिकरण घूम लिया था कल। खैर कल लवी ने कल कुछ नहीं किया, कल आराम से लेट रहा है, पूरी अच्छे से नींद पूरी की और आज जल्दी उठ गया, तो मुझे कह रहा है कि भाई जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा, ठीक है। तो बहुत स्लो जा रहे हैं आजकल हम, तो मतलब कह सकते हो मणिकरण हमारा कल पूरा हो गया था, कल कहीं जा सकते थे लेकिन हम कल कहीं नहीं गए, कल हमने ऐसे इंजॉय किया, थोड़ा बहुत बाहर बाहर गए, मैंने ब्लॉगिंग वगैरह तो दिखाई दी थी सारी चीज़ें, तो हम दोबारा वहीं गए थे गुरुद्वारा वगैरह देखा वगैरह सब, थोड़ा सा इंजॉय किया, व्यू अच्छा लग रहा था इधर। और तो आज पैकिंग वैसे हो गई है ऑलमोस्ट, आज हम चलते हैं कहीं और, कहाँ चलेंगे वो अभी पता चलेगा, मतलब अभी हमारा भी कोई डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाना, अभी देखते हैं, अभी पहले मैं उठ जाऊँ। गुड मॉर्निंग रख दे। हाँ जी, तो हमारे पास हो गया बहुत सारा लगेज, तो हमने खुद को ही अपना
खुद ही बैग बन गए हैं, ये जैकेट, इसके नीचे एक और जैकेट, एक और जैकेट, कुछ और ऐसे ही लवी ने पहना हुआ है ताकि हमारा सामान कम हो। फिर भी हमारे पास तीन बैग पूरे भरे भरे हैं, ये भी और एक वो भी। अभी हमें राम मंदिर से अब हम, कल मैंने तुम लोगों को मणिकरण घुमा दिया था पूरा का पूरा, आज मणिकरण कर लिया था मैंने सुबह पूरा। ओके तो अब हमें जाना है, ये कहाँ चार्जर यहाँ डाल लगे। अच्छा तो अब हम जा रहे हैं, मणिकरण हो गया है हमारा, तो अब शायद कहाँ चले अब देखना पड़ेगा, शायद हम वापस अब शायद हम कसोल जाएं, और कम से कम 11 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, तो कसोल जाके आज कसोल घूमते हैं और कल निकलते हैं। प्लान तो अभी तक यही है, बाकी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि 10-11 दिन बहुत लंबा टाइम हो गया, इतना लंबा तो हम सोच के भी नहीं आए थे, बट यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी अच्छी जगह है, पर हम क्या ही कर सकते हैं, अब तो जाना तो पड़ेगा। तो हम वी आर रेडी नाउ, चेकआउट करना है हमें 12 बजे और पूरे 12 बज चुके हैं, तो ओके भाई अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैं आ रहा हूँ, बहुत 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 दिनों से मेरे एक बैग में, इस वाले बैग में एक ताला पड़ा हुआ था, ठीक है लॉक, ये बस ऐसे रखा होता कि शायद कहीं काम आ जाए, कुछ काम आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और आज ये जैसे लंदन में वो है ना लॉक ब्रिज, लव लॉक ब्रिज, ऐसे ही सब लोगों ने यहाँ ताले लगा रखे हैं, वैसे कुछ होता है नहीं इन चीज़ों से, लेकिन आज मेरे पास भी एक ताला है और मैं भी इसको लगाऊंगा, क्योंकि मैं अगली बार जब आऊँगा यहाँ पर तो देख से चाबी, ये चाबी फिर मेन होगी। हाँ कर ली इधर पे, सबसे ऊपर मेरा ताला होगा, पहचान कुछ नहीं है। लॉक भी नहीं लग रहा है बेचारे से, मुझे बहुत दुख के साथ। ओह माय गॉड, ही हैज डन इट। और ये है हमारा मणिकरण का धुआंदार, ये इसमें कोई अलग पहचान तो है नहीं डाले की, लेकिन यहाँ पे जो लोग ताला लगा रहे हैं तो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मन्नत टाइप होगा, सोच समझ के ही लगा रहे होंगे। मुझे ऐसा कुछ, ऐसी कुछ वो ख्वाहिश है नहीं मेरी कि कोई मन्नत मांगू या कुछ ऐसी, क्योंकि कुछ मैं खुद से मांग लेता हूँ सब कुछ, ठीक है। बट फिर भी कह सकते हो अगर जो मांगना ही हो मुझे, तो यही रहे कि मैं खुश रहूँ और इस तरह से ट्रिप बनती रहे। वापस कभी यहाँ पे आऊँगा, अभी ताला मुझे यहाँ पे मिला, ये चाबी ज़रूर होगी मेरे पास, और इससे ताले अभी चाबी बहुत अहम है।